नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान का कारवा आज पहुंचा है 12 अटरू विधानसभा सीट पर। 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस की सीट है, यहां से पानाचंद मेघवाल कांग्रेस के विधायक हैं और इस क्षेत्र में वो तमाम समस्याएं हैं जो हम पिछले विधानसभा क्षेत्रों से होते आए हैं और लोगों से सुनते आए हैं। वो बुनियादी सुविधाएं, चाहे वो बिजली पानी की समस्याएं हों, स्वास्थ्य या फिर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे या फिर सड़कों की समस्याएं, यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, 12 अटरू क्षेत्र का विकास क्या पिछले 5 सालों में हुआ है। कहने को ये जिला मुख्यालय है लेकिन इसकी तस्वीर किसी कस्बे से ज्यादा नजर नहीं आती। कौन से वो विकास कार्य हैं जो 5 साल में पूरे होने थे और जो नहीं हो पाए, इसी को लेकर 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि पिछले 5 साल में 12 अटरू विधानसभा कहाँ पहुंची है। क्या शुभ नाम है आपका? नारायण डांगोरिया। नारायण जी, ये बताइए पिछले 5 साल के अंदर आप कांग्रेस समर्थित हैं, भाजपा समर्थित हैं, आप मुझे ये बताइए पिछले 5 साल में क्या मिला आपको? 12 विधानसभा में, 12 शहर में इन 5 वर्षों में जनता के लिए कोई उपयोगी कार्य नहीं हुआ। जनता आज भी बिजली से पीड़ित है, पानी की परेशानी, आज भी मटमेला गंदा पानी है और यहाँ तक कि जो जलदाय विभाग की जो टंकियां थी उन पर भी लोगों का कब्जा हो गया है या अवैध रूप से सरकार ने उन जमीनों को अन्य लोगों को आवंटन कर दिया है। ठीक है, एक महिला समर्थक भी हैं हमारे साथ में, आप भी बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, आपको लगता है कि पिछले 5 साल के अंदर महिलाओं को लेकर यहाँ कोई खास कार्यक्रम किए गए? महिला जितनी इस 5 साल में महिला जितनी परेशान हुई है ना, आज से पहले कभी महिलाएं परेशान नहीं हुई। महिलाओं पे जितना अत्याचार हुआ है, नाबालिग लड़कियों पे जितने अत्याचार हुए हैं, इस सरकार ने, इतनी भ्रष्ट सरकार है कि महिलाओं को लेके इसने जो भी कदम उठाए वो कोई कदम अच्छे कदम नहीं उठाए। महिलाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, अत्याचार किया है। महिला जो भी थाने में जाती है वो कार्रवाई नहीं होती, कभी कोई महिलाओं के बारे में कभी नहीं सुना जाता। महिला इतनी परेशान है। आपका क्या शुभ नाम है सर? कुशल पाल प्रजापति। कुशल जी, इतने आरोप हैं आपके ऊपर कि 5 साल के अंदर महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुनवाई नहीं होती, थाने में जाती हैं, विकास से जुड़े तमाम मुद्दे हैं, 5 साल के अंदर क्या आपका जिला मुख्यालय कस्बा भी नहीं बन पाया ढंग से? ये आपका कहना गलत है और हमारे विरोधी साथियों का भी कहना गलत है कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। कानून संगत न्याय सबको मिलता है, कानूनी कार्रवाई अगर कोई अपराध करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जहां तक हम विकास की बात करें तो 12 शहर जिला मुख्यालय में ही नहीं, पूरे 12 जिले में जहां 4 विधानसभाएं यहां से राजस्थान को मिलती है, उन 4 विधानसभाओं में हमारे माननीय विधायक पानाचंद जी मेघवाल, आदरणीय प्रमोद जी जैन, भाया जी मंत्री महोदय, इनके इतने आर्थिक रूप से इन्होंने इतना संबल इस जिले को दिया है, चाहे धार्मिक आयोजन ले लो, चाहे विकास की योजनाएं ले लो, चाहे कोई भी क्षेत्र में आप चले जाओ, इनकी सेवाओं का कोई सामी नहीं है। आप क्या सोचते हैं 12 अटरू के विकास को? कांग्रेस का विकास तो वैसे नजर आ रहा है, 5 साल में केवल एक ब्रिज नहीं बन पाया, 5 साल में ये विकास ये देख रहे हैं विकास, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हिंदुओं पर अत्याचार चरम सीमा पर है। ठीक है, लगातार सर आप ही के लोग जो है वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर जो है वो विकास कछुए की गति से भी नहीं चल पाया। 5 साल से आप एक ओवर ब्रिज बना रहे हैं, वो अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए। जी, विपक्ष का काम होता है तो कमी निकालना, बुराई निकालना, लेकिन वर्तमान हालात आप मौके पर जाकर देख सकते हो। 224 गांव जो अटरू विधानसभा में आते हैं, प्रत्येक गांव पर सीसी हमारे आदरणीय पानाचंद जी ने मिला चुके हैं। अब तो मात्र केवल खेतों पर जाने के रास्ते बाकी है। जो विकास पानाचंद जी ने किए हैं और जो भैया जी ने विकास किए हैं, एक ऐतिहासिक विकास है जो कि आप मौके पर जाकर देख सकते हो। ब्रिज का काम वर्तमान में अभी भी चल रहा है और इसी के साथ जो जितने भी शहर के रोड थे सारे रोड दोबारा खुदवा नए बनवा रहे हैं। सर सब कुछ ठीक बता रहे हैं, ये कह रहे हैं 5 साल में खूब विकास हुआ है, ब्रिज ओवर भी आपको मिल जाएगा, महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, जो 5 साल में हमने दिया है वो 5 साल के अंदर कोई और दूसरा नेता नहीं दे सकता। भारतीय मतलब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अनुसूचित जाति के वोटों के दम पे बन के आती है और उसी अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर, अनुसूचित जाति की महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में और 12 में हुए। यहाँ के MLA मेघवाल समाज के हैं, पास ही के गांव माथना में एक मेघवाल समाज की युवा लेडीज को रेप करके मार दिया और उसके खिलाफ अभी तक किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई और यहाँ के MLA ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। ये स्थिति आपकी हमारे 12 की है।
लेकिन सर वो जो एमएलए हैं वो भी तो उसी समाज से आते हैं, तब क्यों नहीं हुआ? तो उसी समाज से आते हैं इसका मतलब समाज को या किसी को न्याय नहीं दिलवाएंगे वो? वही मेरा सवाल है ना आपसे, क्यों नहीं दिलवाए? और बारह में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस के हाथों में कुछ नहीं है, गुंडों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आप कुछ कह रहे थे सर? जब इंद्र मेघवाल की एक दुर्घटनावश आकस्मिक मृत्यु एक छात्र की, तो इस राज्य के पूरे सवर्णों को, पूरे हिंदुओं को कटघरे में खड़ा किया वर्तमान विधायक पानाचंद मेघवाल ने। लेकिन लोकसभा क्षेत्र जो भाया जी चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ कृष्णा वाल्मीकि की हत्या और बड़ो निर्दयता पूर्वक हत्या हुई, लेकिन कोई कांग्रेस का नेता, यहाँ तक कि पानाचंद मेघवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि वाल्मीकि समाज का व्यक्ति था, एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा हत्या हुई थी और उसको मिला भी कुछ नहीं। जबकि अभी एक्सीडेंटल जो मौत हुई है इकबाल की, उसको 50 लाख, एक नौकरी और डेयरी तक आवंटन कर दी गई है। राज्य में इतना भेदभाव किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, यहाँ जहाँ हमारे मंत्री रहते हैं प्रमोद जैन जी भैया, उसी क्षेत्र में उनके ही पड़ोस में दो लोगों की हत्या हो गई है। कानून व्यवस्था बिल्कुल राजस्थान में नष्ट हो चुकी है और इतना तुष्टिकरण जो राजस्थान में किया जा रहा है, 12 जिले में सर्वाधिक 4 हत्याएं हो चुकी है। यूथ भी हमारे साथ है यहाँ पर, क्या शुभ नाम है आपका? दिलीप साकेवाल। दिलीप, ये बताओ कि यूथ को क्या मिला इन 5 सालों के अंदर? स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं? नहीं, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, पार्षद विभाग। यहाँ पर 5 साल में यहाँ के मंत्री के द्वारा धर्म के नाम पर ओनली ढोंग किया गया है। और धर्म के नाम पर जो जमकर भ्रष्टाचार हुआ ना, जो कि धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाता है, धर्म के नाम पर राजनीति करता है, नुक्ति पुड़ी के दम पर ये जनता को खरीदने की कोशिश करता है, आदमियों को ये लोभ प्रलोभन देके आदमियों को खरीदने की कोशिश करता है। जनता इनको समझ गई, इन्होंने यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था इन्होंने गिरवी रख रखी है। यहाँ पर 12 जिले में कानून व्यवस्था एक तरह से खत्म हो गई है। यहाँ कोई एसपी नहीं है, कोई कलेक्टर नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार जब भी हम जाते हैं विपक्ष के पास में, वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। सरासर गलत है। जनता का जो प्यार कांग्रेस के नेताओं को मिल रहा है, उससे लोग बौखलाए हुए हैं। कानून व्यवस्था सुधरे, अपराधी का न तो कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है, उसका एक ही काम होता है अपराध करना, और उस पर न्याय की पुलिस लगातार अपना शिकंजा कसा हुआ है। कोई भी अपराधी हो, उसको छोड़ा नहीं गया है, उसको तुरंत डिटेन करके पकड़ा गया है और आज वो सलाखों के पीछे है। ये बताइए सर, 5 साल के अंदर 12 जो है वो जिला मुख्यालय है, बावजूद इसके इस विधानसभा सीट को या जिला मुख्यालय की स्थिति, तस्वीरें, सब कुछ कस्बे जैसी हैं, आपको लगता है कि दूसरे जिलों के मुकाबले कहीं ठहर पाता है? नहीं, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बता दूं कि कस्बा जैसा कोई 12 नहीं है, 12 एक शहर जैसा है। और विकास की बात आप करेंगे तो विकास की गंगा यहाँ पे बह रही है। इसकी एक ही मिसाल दे दूं आपको, मैं 12 पूरी 12 को छोड़िए, पूरी 12 जिले में विकास के कार्य चल रहे हैं। आप तो एक तालाब डोल मेला तालाब है, उसी को देख लीजिए, पूरा 80 करोड़ रुपए का काम यहाँ पे चल रहा है, जिसमें 25-30 करोड़ का काम तो निमट चुका है। विकास की एक ही मिसाल काफी है। हमारे प्रमोद जैन भाया और अपने लाडली विधायक पानाचंद जी बेगवाल जो काम कर रहे हैं, विपक्ष उससे तपा हुआ है। इनकी झूठ की पराकाष्ठा देखिए आप, ये गुंडों की बात करते हैं, गुंडे इन्होंने पाल रखे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, जब इनके सांसद कार्यालय पे हमला हुआ था तो कौन लोग थे जिन्होंने उस पर पत्थर फेंके थे? वो कांग्रेस के थे, वो गुंडे कांग्रेस के थे, तो गुंडे कौन थे? वो गुंडे खुद थे, खुद ही लोगों ने खुद के ही ऊपर पत्थर फेंके हैं। ठीक है, ये खोखली बातें हैं इनकी और उसके अलावा कुछ नहीं है। जिस रोड पे हम खड़े हैं वो भी हमारे विधायक जी और माननीय मंत्री मोदी द्वारा बनवाया गया था। रही विकास की बात, तो 12 जिला एक नए आयाम को चुराई, एक ग्रामीण अंचल होने की वजह से आपको कस्बा टाइप लग रहा होगा, पर बाकी जो नया विकास हो रहा है ये अभूतपूर्व है। पूर्व में भी भाजपा के अनेक मंत्री रहे, माननीय वसुंधरा जी भी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे लगातार यहाँ से सांसद है। भाजपा के लोग सिर्फ धर्म राजनीति करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित जैन। अमित, ये बताइए, आप आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर आपके विधानसभा क्षेत्र में कभी कांग्रेस या कभी बीजेपी का जो सीट रहती है, आप क्या विजन लेकर यहाँ पर आए, क्या देंगे 12 अटरू के क्षेत्र को, क्या मैनिफेस्टो आपका रहने वाला है और साथ ही क्या शिकायतें हैं आपकी? पहले तो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों के यही खड़े हैं, एक बार ये आते हैं एक बार ये आते हैं, मगर जनता के मुद्दों को कभी ध्यान देते, बिजली पानी रोड सड़कें इनका ध्यान, स्पोर्ट नहीं इनका ध्यान, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है उसी पर ज्यादा फोकस होता है। जनता के मुद्दों पर इन्होंने आज तक कभी फोकस नहीं किया, क्योंकि जनता मर रही है,
जनता पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मगर इनको उसकी सुध नहीं है। इनको तो सिर्फ अपने वर्चस्व की सुध है। इन्होंने ब्रिज नहीं बनाया, उन्होंने ब्रिज तोड़ दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने नाम परिवर्तन कर दिया। मगर जब जनता के मुद्दे हैं, अगर जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले तो जनता कितनी खुश होगी, जनता को अच्छी सड़क मिले तो कितनी खुश होगी। मगर इन दोनों का विजन सिर्फ इतना सा है, एक दूसरे का लड़ाओ और अपना को लूज सीधा करो, इतना सीजन यही है। आज यहाँ का राज्य सरकार में कांग्रेस सरकार के मंत्री जी प्रमोद जैन भैया जी का एक गृह जिला है, यहाँ की इनकी जो कार्यशैली पूरे 5 साल आज खत्म होने को आए, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर हो या निर्माण व्यवस्था को लेकर हो, आज तेल फैक्ट्री चला हुआ रोड का जो ब्रिज है वो पूरे 5 साल से वहाँ की आबादी 3 बार उसका शिलान्यास हो चुका है, पूरे तेल फैक्ट्री की मतलब 40,000 के लगभग की आबादी वहाँ पर निवास करती है, वो 5 साल से परेशान है। वहाँ पर आदमी ढंग से पैदल नहीं निकल सकता, गाड़ियाँ नहीं निकल सकती। वो नगर परिषद को लेकर के देखें अपन तो बोर्ड पिछले 15 साल से कांग्रेस का बोर्ड स्थापित है, सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है, मंत्री जी यहाँ से लोकल है, नगर परिषद के काम सारे चौपट है। आज मेरे वार्ड को मैं बताऊं आपको, 15 से 20 दिन हो गए, न तो वहाँ पर कचरे की गाड़ियां आ रही है, न वहाँ पर ढंग से सफाई व्यवस्था है। मुख्य चौराहे पे भी आप देखेंगे तो ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है, हर तरीके से ये सरकार बिल्कुल फेल है। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील यादव। सुनील बताइए कुछ कह रहे थे। मैं एक तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ, मैं एक युवा हूँ, युवा के नाते मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार में जो पेपर घोटाले हुए हैं उसमें गरीब परिवार जो पढ़ाई के लिए मध्यम वर्ग अपने परिवार के लिए कैसे उनको पढ़ाता है, पूरे 5 साल कैसे उनको बाहर भेज के तैयारी कराता है और फिर ऐसे घोटाले हो जाते हैं तो उनके घर पे क्या बीतती है। इसके लिए कानून बनाए गए हैं ना, कानून बनाए पर अभी राजनीति लाभ के लिए अभी बनाए उसका कोई अभी। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि पिछली सरकार के अंदर भी पेपर लीक हुए हैं लेकिन हमने आरोपियों को पकड़ा और जेल में डाला है। नहीं, पिछली सरकार में हुए होंगे, पिछले में इतने हुए ही नहीं ना, इतने घोटाले तो आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुए। ठीक है सर, जल्दी से। 12 शहरी क्षेत्र में 15 साल से कांग्रेस का बोर्ड है, आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस सरकार ने 12 शहर में विकास किया क्या? ये जो कुछ स्थानों पर जो आपको चौराहे नजर आएंगे ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनवाए थे और बाद में जिस सभापति ने बनवाए वो खुद कांग्रेस की तरफ से ही जेल गया। 12 में विकास हुआ क्या? आज नगरपालिका के समाचार पत्रों में छपा है कि कचरे संग्रहण की जो गाड़ियां थी वो भी लगभग 3 महीने से पड़ी हुई है, उनको ठीक करवाने मरम्मत के पैसे नगरपालिका के पास नहीं है लेकिन ठेकेदारों के बिल पास हो रहे हैं। मंत्री जी के साथ जितने भी सहयोगी लोग हैं वो सब ठेकेदारों की पार्टी है, ठेकेदारों की टीम है, उनके पास कोई व्यक्ति नहीं है, न कोई कार्यकर्ता है, न समाज सुधारक है, न कोई सहयोगी है, केवल ठेकेदारों की पार्टी है, केवल ठेकों का भुगतान हो रहा है, बल्कि नगर पालिका की सबसे ज्यादा दुर्दशा खराब है। ठीक है, जानकारी ले लेते हैं, आप बता दीजिए क्या विकास, ये आपसे बार बार पूछ रहे कि हुआ क्या विकास, बताइए उनको, खुद को बताए। वो जिस रोड पे खड़े हैं वो सब कांग्रेस ने बनाया है, इनके माननीय मंत्री जी मदन दिलावर जी, प्रताप सिंह जी सिंह भी, ये सब लोग 12 से आए हुए हैं, पर इन्होंने कभी किसी का कोई काम नहीं किया, कोई विकास कार्य नहीं किया। जनता का अपार समर्थन देख के लोग बौखलाए हुए हैं, 12 जिले में इतने मतदाता है कि सब ठेकेदार है क्या? पालाचंद जी को जिताते, इनके दो दो मंत्री को उन्होंने हराया, मदन दिलावर जी को हराया, बाबूलाल जी को हराया, और आगे भी जिसको खड़ा करेंगे वो भी हारेंगे। अटूर रोड अभी पालाचंद जी खुद बना रहे हैं, मदन दिलावर जी वहां रहते हैं, प्रताप सिंह जी उस रोड से निकलते हैं, हमारे सांसद महोदय का ये चौथा चुनाव हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे भी न्यास से रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये लोगों का काम है इनका गलत बात करना। इनके राज में ना रोड बनता है ना बोर्ड बनता है, लिसाड़े वाला आदमी मारना पहुंच जाता है, मारना वाला आदमी लिसाड़े पहुंच जाता है। सीवरेज की बड़ी समस्याएं बताई जा रही है 12 के अंदर, 12 अटरू विधानसभा के अंदर सीवरेज को आपस में कनेक्ट ही नहीं किया गया, खोद दिया गया लेकिन कनेक्ट नहीं है। अभी हमारे विपक्षी पार्षद साहब बोल रहे थे कि 12 में लगातार तीन बार से कांग्रेस का बोर्ड है, कोई विकास नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूँ इनको, चाहे 12 का अस्पताल रोड देखिए, सीवरेज के बारे में आपको बता दूं, ये केंद्र की योजना है और जैसे ही बोर्ड चेंज हुआ, कांग्रेस का बोर्ड आया तो इन्होंने यहाँ पर काम बंद कर दिया और हमने इनको लगातार नोटिस दे के बोलने का प्रयास किया कि इनको काम को तुरंत करवाइए, काम कराइए, इन्होंने काम बंद कर दिया। उसके बाद नगर पालिका को इनको नोटिस देना पड़ा, आज वो केस कोर्ट में चल रहा है, इन्होंने काम बंद किए हुए हैं बिल्कुल ही। हमें मजबूरी में रोडों के विकास करने पड़े, काम करने पड़े, इन्होंने बिल्कुल भी सीवरेज के नाम पे कोई काम नहीं किया केंद्र सरकार ने। ठीक है, जैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, अमित भाई आपने ये बताया, दोनों ही पार्टियों पे आपने आरोप लगाए, आपका कहना है कि यहाँ पर जो है किसी तरीके का कोई विकास नहीं हुआ है और आपकी पार्टी अगर आती है तो 12 अटरू विधानसभा लगेगा कि जिला मुख्यालय,
भ्रष्टाचार की भी आपने बात की, आपका अपना एक मंत्री परसों भ्रष्टाचार के अंदर जेल गया, ईडी ने उठाया। ये जो संस्थाएं हैं इन सबको अभी जैसे तोता होता है उस तरह का बना रखा है केंद्र सरकार ने, जब चाहो जिसको उठा लो। और भी कहते हैं कि आपके पास अगर वो क्या कहते हैं, अगर आपके पास सबूत हो तो ले आओ। अगर आदमी को आपने छोड़ना ही नहीं छोड़ा तो सबूत लाएगा कहाँ से? आप सीधे अंदर डला देते हो किसी भी वजह से, आपके पास कोई विजन नहीं है। अगर उनके पास कोई विजन है तो उनको अंदर जेल में अंदर ही रहने दो। आप उनको क्यों पेरोल पे क्यों, जब आपके चुनाव आते हैं तो आपके हरियाणा में राम रहीम को आप छुड़ा देते हो, तब आपको ये नहीं दिखता कि जो भ्रष्टाचारी है, जो बलात्कारी है, उसको आप पेरोल पे लेके आ रहे हो और फिर आप मुहिम दे रहे हो कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान करा दे। तो आप देंगे, आप 12 अटरू को क्या देंगे जब आप चुनाव में जा रहे हैं? इस बार आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? हाँ। तो कौन से नेता आएंगे आपको जो यहाँ पर विजन लेकर आएंगे, कौन से नेता आएंगे? हमारे जो केजरीवाल जी के मुहिम है उनके 6 संकल्प हैं, महिला 300 यूनिट बिजली फ्री, लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा अच्छा स्वास्थ्य, मतलब जो जो मूलभूत सुविधा है जनता की वो सब मिलेगी। मगर इन दोनों पार्टियों से दो दो बार यहाँ पर मंत्री रह चुके मगर फिर भी बारह को आज भी कोटा जिले के नाम से जाना जाता है। अगर कोई कहते कि बारह जिला का है तो पहले कहना पड़ता है कि कोटा है बारह जिला, तब जाके उन्हें पता पड़ता है कि बारह भी कोई जिला है। ये पहचान बनाई है आपने कोटा की कि जो है वो कोटा बारह को आज भी कोटा के नाम से जाना जाता है? ये सवाल मैंने भी आपसे पूछा था, ये सवाल मैंने भी पूछा था। ये बरसों बरस पहले की बात को बताना मेरा भाई, ये बरसों बरसों पहले की बात है जब कोटा जिले में बारह को माना जाता था। आज बारह, आप पहले भी कभी अगर बारह आए तो आपको पता लगा होगा कि बारह जिला मुख्यालय है, क्योंकि फोर लाइन था क्या पहले? आज से पहले फोर लाइन था क्या? अंदर सिटी सिटी फोर लाइन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद सिटी फोर लाइन। आप सिटी फोर लाइन देखो, यहाँ से दूसरे आए हुए तक किसने जोड़ा? हमारे शासन ने, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से कई बार मंत्री, दो दो बार मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, आदरणीय मदन दिलावर साहब और प्रताप सिंह सिंधी साहब। लेकिन उन्होंने विकास के नाम पे अगर कुछ किया है तो सिर्फ यहाँ से छपड़ा की छपड़ा छिपावड़ा जो सड़क पे निकलते थे ना, उनके शासन काल में भी जो भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ करता था, उन सड़कों की जर्जर व्यवस्था ही थी। आज उसी सड़क का काम हमारे विधायक पानाचंद मेघवाल द्वारा किया गया, वो काम निर्माणाधीन चल रहा है। ठीक है ना? आप सत्ता और विपक्ष दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये कि आज जो विकास की बात ये लोग कर रहे हैं, अगर फोर लेन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई तो देश के लिए तो बनाई है ना, आम मतदाता के लिए बनाई, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लिए बनाई। ठीक है, उन्होंने काम किया मानते, पर हम जो काम कर रहे हैं उसको ये भी तो माने, ये भी तो कहे कि भाई हमने कांग्रेस का कुछ किया है। तो मानेंगे आप कि कोई काम हुआ, आपका काम इन्होंने माना है? काम किया माना इन्होंने, और आप क्यों नहीं मान रहे कि इन्होंने जो काम किया? क्योंकि इन्होंने इनके क्योंकि यहाँ पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए हम इसको क्यों माने? यहाँ पर आप नगर परिषद में अभी घोटाले हो रहे हैं। अभी 25 लाख का इन्होंने टेंडर लगाया, यहाँ पे एक कचरा वहाँ पे डाल दे, इनसे कचरे की व्यवस्था हो नहीं पा रही। इतने भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो सवाल उठा रहे हैं। हाँ। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको लेकर संघर्ष किया, आंदोलन किया आपने? रुकिए जी सर, यहाँ पर मैं बिजली के बारे में बोलूंगा सर, पानी बिजली सड़क यहाँ पर की मूलभूत सुविधा आवश्यकताएं होती है। यहाँ पर एक डियाड़ा ग्रेड है जिसमें लगभग, सर मेरा सवाल जो इन्होंने कहा कि यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपने कभी संघर्ष किया इसके खिलाफ या केवल आरोप है? नहीं, संघर्ष किया, धरने प्रदर्शन लगातार होते हैं, और यहाँ पर जितना भी भ्रष्टाचार बारा शहर में बारा अठारह विधानसभा में, बताइए कोई बड़ा संघर्ष किया? संघर्ष जी हाँ, हमने कई बार धरने प्रदर्शन किए हैं, और जब हम धरना प्रदर्शन देते हैं या कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि या कोई आम आदमी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ केस लगाए जाते हैं। हमारे साथी 5 वार्ड पार्षद हैं जो हर महीने हमने जो आवाज उठाई तो उनके खिलाफ केस लगाया गया है, हर महीने तारीख पे जाते हैं वो लोग। अब मेरा एक साथी है दिलीप साकेवाल, नेता प्रतिपक्ष भी है, उसके पूरे खानदान में ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ केस। मैं बताऊं, हम इस समय 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र पर मौजूद हैं और लगातार आरोपों की झड़ी यहां पर जारी है, जवाब देने की भी कोशिश है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। गांव शहर चुनावी सफर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र में। विपक्ष का आरोप है कि आज भी 12 अटरू को कोटा के नाम से जाना जाता है, जिला मुख्यालय के स्तर का विकास यहां पर नहीं हुआ, और लगातार जो सत्ता पक्ष है वो इसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है, समस्याएं बहुत ज्यादा है। क्या कहना चाह रहे थे आप? भैया 5 साल पहले तो इनकी सरकार थी, इनसे पूछो कौन सा रोड बनाया था इन्होंने 12 में, आप पूछो से इनसे।
सारे रोड बने, बारह में भी कांग्रेस के टाइम बने, मंत्री जी के टाइम बने, बीजेपी ने क्या किया पूछो। एक रोड बनाया है कौन, उनसे पूछो कौन सा रोड बनाया है। वार्डों में उनके कांग्रेस काम कर रही है, इनके सांसद जी ने भी रेवड़ियां बांटी है, दो दो लाख तीन तीन लाख रुपए की आचार संहिता लगने वाली, के काम क्रियान्वित हो पाएंगे। आप आरटीआई से निकला लो, कल ही इन्होंने ठीक है। विकास की बात करें तो हमारे क्षेत्र से पांच बार तो सांसद माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी नहीं, आज उनके पुत्र चार हैं, चार बार के सांसद है, लेकिन हमें बारह के नाम पर ठगा महसूस किया है। हमें कभी भी इनके क्षेत्र का नहीं मानते। और बात करें तो पिछली बार जो मेडिकल कॉलेज था उसे चूरू ले जाया गया, लेकिन हमारे माननीय मंत्री द्वारा अभी इस मेडिकल कॉलेज का कैसे भी कर उसका काम चालू करा दिया। नर्सिंग कॉलेज देख लीजिए, अटरू में गर्ल्स कॉलेज का काम संपूर्ण हो चुका है। बारह क्षेत्र में 23 करोड़ रुपए के काम पीडब्ल्यूडी के माध्यम से और अनेकों विकास कार्य नगर परिषद के माध्यम से कराए जा रहे हैं, जिनमें से नहीं माने तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के वार्डों के वर्क ऑर्डर दिखाए जा सकते हैं। और तो और यहाँ तो पार्षद ये सोचता है कि मेरी इच्छा के बिना काम नहीं हो, तो वो इस वजह से कई वार्ड छूटे हुए हैं। और काम की बात करें तो काम के क्षेत्र में मंत्री महोदय द्वारा आज बारह के सिटी फोर लेन का काम मौके पर स्टार्ट है, जो बारह कोटा रोड से शाहबाद रोड पे जा रहा है, और जो झालावाड़ रोड से मांगरोल रोड होते हुए उसके विकास कार्य, और कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए का काम बारह अट्रू को मिले। जैसे हमारे क्षेत्र कृषि पर निर्धारित 250 करोड़ पार्वती केनाल को जो किशनपुरा बंदा से प्रारंभ होगी और मांगरोल के उस एमपी के लास्ट छोर तक जाएगी, उसका विकास कार्य। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश गोचर है। हाँ गोचर साहब, बताइए क्या कह रहे हैं। देखो सबसे सीधी बात तो ये है, दोनों पार्टियों का शासन रहा है और सत्ता में रहे 50 साल कांग्रेस ने राज किया है और 25 सालों से इनको डो रहे हैं। अब जो भी हुआ है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां होती है विकास करे, तो ये एहसान नहीं किया। लेकिन काम किसे कहते हैं, ये दिल्ली पंजाब से सीखे। और रही बात, आज ये कह रहे हैं कि साहब हमने विकास किया है, 5 साल गायब रहे हमारे मंत्री जी, 5 साल पूरे, और आज कल है ना, कल गौशालाओं का भूमि पूजन करने लगे हैं। जब 5 साल इनको गाय की याद नहीं थी, गाय के नाम पर राजस्थान सरकार ने 10% गो संरक्षण और 10% डेवलपमेंट शुल्क के नाम पे स्टाम्प ड्यूटी से जनता से करोड़ों रुपए वसूला जाता है, लेकिन ये पैसे कहाँ गए? आज गए सड़कों पे, और कल मंत्री जी भूमि पूजन करा रहे थे, इतने दिनों से इनको दोनों को याद नहीं। सर ये दोनों पे आरोप है आपके, आप जल्दी से बात कीजिए, पूरी कीजिए। मेलखेड़ी रोड पर जो अभी इन्होंने बताया कि वहाँ जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उस जगह को छोड़कर अगर प्रमोद जैन भैया जी अगर हाईवे पे बनाते तो जनता का फायदा होता,